एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजरी। और इधर पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आरजेडी पश्चिम बंगाल में 8 और असम में 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में आरजेडी की रणनीति टीएमसी के साथ तालमेल करने की है। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जल्द ही सीएम ममता बनर्जी से बातचीत करेंगे। उधर पूर्वोत्तर राज्य असम में सीपीआई, सीपीएम और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ तालमेल कर आरजेडी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। पटना से हाजीपुर जाने के दौरान हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के बाजार समिति के पास अचानक चलती बाइक में आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग लगते ही बाइक सवार युवक बाइक छोड़कर फरार हो गया। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। जहानाबाद जिले के नच 110 पर पुलिस की सतर्कता के कारण बड़ा हादसा टल गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि धमापुर के नजदीक एक पुल के नीचे कुछ संदिग्ध सामान रखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर भारी मात्रा में विस्फोटक सामान जब्त किया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अरवल जिले के कलेर स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन न होने के कारण गर्भवती महिला को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य जांच कराने आई महिलाओं का कहना है कि अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं होने की वजह से उन्हें स्वास्थ्य केंद्र से बाहर मोटी रकम देकर अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड में दलित न्याय आंदोलन के जिलाध्यक्ष मोहन राम अनशन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में अफसरशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका अनशन पिछले 2 दिनों से जारी है और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती अनशन जारी रहेगा। अनशन के 2 दिनों के बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी उनके सूत लेने नहीं पहुंचा है। जी, अभी तक जो है सो किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और उल्टा जो है जीओ साहब हम लोग को धमकी दे रहे हैं कि कोरोना का जो है सर भी आपको गाइडलाइन जो है उसके अनुरूप जो है सो हम आपका आवेदन स्वीकृत किए थे, जबरदस्ती आकर के बैठ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि गरीब को समस्या जहाँ उठाना होता है वहाँ उनको कोरोना का गाइडलाइन दिया जाता है। तो बाकी देख लीजिए, हटिया बाजार खुला है, उनके सामने ही कोर्ट परिसर में। सीतामढ़ी में बंद हो चुके रीगा शुगर मिल में मौजूद दोहरे लोकोमोटिव इंजन को चीनी मिल प्रशासन ने केंद्र सरकार को सौंप दिया है। आपको बता दें कि इस लोकोमोटिव इंजन को सन 1930 में हॉर्ड सवेल नाम के इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने बनाया था। उस वक्त ऐसे 3 इंजन बनाए गए थे, लेकिन इसके अलावा अन्य 2 इंजन खराब हो चुके हैं। अब यह स्टीम इंजन हरियाणा के रिबारी स्टीम सेंटर में भेजा जाएगा। लोकोमोटिव स्टीम इंजन बनाए गए थे जो कि अब मात्र हमारे पास जो बचा था एक ही इंजन बचा था, 2 इसके पहले जो थे वो अब अस्तित्व में नहीं है। और यह इंजन रीगा शुगर कंपनी लिमिटेड में 1934 से लेकर के 2010 तक सेवा में था। चूँकि नैरो गेज लाइन चेंज हो गई या ब्रॉड गेज आ गई, जिसकी वजह से ये अब कार्यरत नहीं था, जिसकी वजह से इसको रीगा चीनी मिल कैंपस में आज प्रदर्शनी के लिए। बेतिया के नौतन प्रखंड के तेलुआ में राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। इस मौके पर इंटर कॉलेज गहीरी के सचिव विभूति नारायण राय ने भूमि पूजन कर खेल का शुभारंभ किया। देवरिया की टीम ने नरकटियागंज को 1 गोल से हराकर जीत हासिल की। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को थाना प्रभारी अनुज कुमार पांडे ने पुरस्कृत किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।